Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 1 by Brain Root series and here is a book, Literary Journeys. Children, today we are going to start chapter number 13 and the name is Dory the Dragon. So yes, we are going to learn an amazing story about a dragon. Dragon ke baare mein hum ek story yahan pe padhne wale hain. So let's start with the warming up. So we shall read about a dragon whose name is Dory. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक dragon के बारे में जिसका नाम क्या है? Dory. She has no one to play with. उसके पास कोई भी नहीं है खेलने के लिए. But one day something strange happens. लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है? कुछ अजीब सा घटता है उसके साथ. And Dory gets so many friends to play. और उस दिन क्या हुआ? Dory के पास बहुत सारे friends आ जाते हैं खेलने के लिए. We shall also learn about Dory's helpful nature. Dory जो है नेचर में काफ़ी ज़्यादा helpful थी. तो क्या चीज़ें हम उससे सीखेंगे? हम उससे helpful होना सीखने वाले हैं इस chapter में. So let's start the chapter, children. Dory was a very small dragon. वो जो है बहुत ही छोटा सा एक dragon था. आप देख सकते हो आपके सामने है Dory की picture. तो ये एक छोटा सा dragon था. Dragon बहुत बड़े बड़े होते हैं. She lived in a cave by the seashore all alone. समुद्र के किनारे एक cave था, एक गुफा थी, उसके अंदर वो अकेली रहती थी. She had no one to play with. उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था. There was a fisherman's village nearby. तो अब उसके केव के पास में एक गांव था, विलेज था, जहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन रहते थे, मींस मछली पकड़ने वाले. The children from the village used to play on the beach. जो बच्चे थे उस विलेज के वो आते थे बीच पे आके खेला करते थे. Dory wanted to play with them. Dory को भी उनके साथ खेलने का मन होता था. But nobody wanted to play with Dory. लेकिन Dory के साथ कोई खेलने वाला नहीं था. They thought dragons would eat them. उन्हें लगता था कि ये जो dragon है, क्योंकि ये बड़े होते हैं, खूंखार होते हैं, तो ये हमें खा जाएंगे. This was not true. ये सच नहीं था. And dragons eat only fish. अब यहाँ पे जो dragon है वो क्या खाता था? सिर्फ fish खाया करता था. Dory felt really bad about this. और ये सब चीज़ें सुन के Dory को बहुत बुरा लगता था कि कोई भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्हें खा जाएगा. Soon it was winter. अब जल्दी ही सर्दियों का मौसम आ चुका था. Dragons sleep during the winter. अब जो dragons हैं वो क्या करते हैं? विंटर सीजन में वो सो जाते हैं. One day Dory was asleep in her cave. एक दिन क्या हुआ? Dory अपने cave में सो रही थी. She heard shouts from for help and woke up. उसे बाहर से आवाज़ आई किसी के help चिल्लाने की. There was a storm outside. बाहर क्या था? आंधी तूफान आया हुआ था. A fisherman at the sea was in trouble. समुद्र में एक फिशरमैन था जो मुसीबत में था. ट्रबल मीन्स मुसीबत. ही गॉट कुड नॉट गेट बैक फ्रॉम द सी. वो समुद्र से वापस नहीं आ पा रहा था क्योंकि एकदम से समुद्र में तूफान आ चुका था. डोरी फ्लू आउट इन द स्टॉर्म. डोरी जो है उड़ के स्टॉर्म में चली गई. शी ग्रैब द फिशरमैन एंड फ्लू बैक टू द शोर. उसने क्या किया? उस फिशरमैन को पकड़ा और किनारे तक ले आई. शी सेव्ड हिज लाइफ. उसने क्या किया? उस फिशरमैन की लाइफ को बचा लिया. द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी. अब ये देख के जितने भी विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. डोरी वॉज हैप्पी टू. डोरी भी खुश थी. शी कुड नाउ प्ले विद द चिल्ड्रेन एवरी डे. अब उसके इस हेल्पफुल नेचर को देख के जो सारे पेरेंट्स थे वो खुश थे, सारे फिशरमैन खुश थे, और अब उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ कर दिया था डोरी के साथ खेलने के लिए. सो नाउ शी कुड प्ले विद द चिल्ड्रेन एवरी डे. अब वो रोज़ उन बच्चों के साथ खेल सकती थी. सो चिल्ड्रेन, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ डोरी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी पार्ट. सो फर्स्ट वर्ड इज फिशरमैन. फिशरमैन का मतलब होता है पीपल हु कैच फिश. जो मछली पकड़ते हैं ना, फिशरमैन कहते हैं.
बीच क्या है? एन एरिया ऑफ सैंड नेक्स्ट टू द सी, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा सैंड होता है जो सी के पास होता है. नेक्स्ट है सी शोर, मीन्स बैंक ऑफ सी या फिर बीच. ट्रबल का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम. स्टॉर्म क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा को हम स्टॉर्म कहते हैं. ग्रैब्ड मीन्स कॉट होल्ड ऑफ, किसी चीज़ को पकड़ लेना. नोबडी मीन्स नो वन, कोई भी नहीं. हैप्पी का मतलब होता है ग्लैड, खुश हो जाना. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. योर ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो योर द फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉरी वॉज अ वेरी स्मॉल. डॉरी क्या थी? एक बहुत छोटी डॉग था या ड्रैगन या कैट या मंकी? सो इट वॉज अ ड्रैगन. वेयर डिड डॉरी लिव? डॉरी कहाँ रहता था? सो इट लिव्ड इन द सी, ऑन अ ट्री, इन अ बरो, इन अ केव. सो इट लिव्ड इन अ केव. नाउ थर्ड वन इज डॉरी फ्लू आउट इन द, तो डॉरी कहाँ तक उड़ के गई? रेन में उड़ के गई, स्टॉर्म में उड़ के गई, स्काई में या फिर ओशन? सो द करेक्ट आंसर इज स्टॉर्म. एट द एंड डॉरी वॉज वेरी, लास्ट में डॉरी क्या हो गई? हैप्पी, सैड, एंग्री और स्लीपी. सो एट द एंड डॉरी वॉज वेरी हैप्पी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट विच इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. सो डॉरी ड्रैगन सीट ओनली, ड्रैगन्स किसे खाते हैं? ओनली फिश. सो फिश वी विल राइट हियर. नाउ सेकेंड वन, ड्रैगन स्लीप इन, कहाँ सोते हैं वो? केव. सो लेट्स राइट हियर केव. देयर वॉज अ फिशरमैन डैश नियर बाय. सो फिशरमैन का एक विलेज था पास में. सो वी विल राइट हियर विलेज. देयर वॉज अ डैश आउटसाइड, बाहर क्या था? देयर वॉज अ स्टॉर्म आउटसाइड. सो लेट्स राइट हियर आर एस टी ओ आर एम, स्टॉर्म आउटसाइड. नाउ फिफ्थ वन, द डैश वो वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे. कौन खुश थे? विलेजर्स खुश थे. सो लेट्स राइट हियर विलेजर्स. सो चिल्ड्रन दिस आर योर आंसर्स. Now let's move on to write true or false for the following sentences. So here the first one is Dori wanted to scare the children in the village. Dori kya wahan jo village ke bacche the use darana chahti thi? No, false. People thought dragons would eat them. Logo ko lagta tha dragon use kha jayega. Yes, true. Dory did not save the fisherman. Dory ने fisherman को नहीं बचाया. Again, this is false. Dory was a kind dragon. Dory क्या था? एक काफी ज्यादा kind dragon था. True. At the end, Dory could play with the children. Last में Dory बच्चों के साथ खेल पाया. Yes, true. So these are the answers, children. Like this, you have to fill in the blanks. And with this, children, we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.